दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल cartquiz.com में। अब मेरा नाम मिस्टर कुमार। महंगा हुआ बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर। नॉन सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर के दामों में 28 फरवरी को 86 रुपए का इजाफा किया गया। बढ़ी हुई दरें 1 मार्च 2017 से ही लागू कर दिया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक 1 मार्च 2017 से ही नॉन सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर के दाम 86 रुपया बढ़ा दिया गया। यह फैसला एलपीजी उत्पादों के दामों में वैश्विक स्तर पर हुआ है, इजाफे को मद्देनजर रखते हुए किया गया। हालांकि सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जानिए क्या है यह नया दाम। जी हाँ दोस्त, मंत्रालय ने बताया, उदाहरण के तौर पर समझिए, अब 1 मार्च से ही उपभोक्ताओं को दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर लेने के लिए 737 रुपए देने होंगे, जिसमें से 303 रुपए की सब्सिडी ग्राहकों की बैंक के खाते में आएगी और बाकी के 434 रुपए ग्राहकों के अपनी तरफ से देने होंगे। जी हाँ, तो देखिए क्या है दरें। जैसे कि आप दिल्ली में खरीदते हैं तो आपको ये सिलेंडर का दाम पड़ेगा 737 रुपया, कोलकाता में खरीदते हैं तो 757 रुपया और मुंबई में खरीदते हैं तो 744 रुपया और चेन्नई में खरीदते हैं तो 746 रुपया। जी हाँ दोस्त, नए साल पर बढ़े थे रसोई गैस सिलेंडर के दाम। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ने नए साल पर सब्सिडी वाले 14 किलो 200 ग्राम के रसोई गैस सिलेंडर का दाम 2 रुपया बढ़ा करके 432 रुपया से 434 रुपया कर दिया था। यह जुलाई 2016 से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 8वीं वृद्धि थी। उसी समय सरकार ने सब्सिडी को समाप्त करने के लिए सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में हर महीने 2 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला किया था। जी हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल जिसका नाम है cartquiz.com आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं एवरी डे नए नए वीडियो जो कि मनोरंजन, टेक, बिजनेस, अध्यात्म, जॉब एंड लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। Yeah!